हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएसकेपी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन बुक के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप इस बुक को मत परचेज कीजिए। यहाँ पर हमारे चैनल पर इस बुक के सारे क्वेश्चनों का रिवीजन आपको कराया जाएगा और आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। दोस्तों, कुछ दिनों से हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था, हमें कुछ भी टाइम नहीं मिल पाया। अब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब आपके लिए रेगुलर वीडियो आएंगी। यहाँ पर आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए 10 से 12 दिन बचे हैं, आप इन 10 से 12 दिनों में बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित है? दोस्तों, प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के पिता थे, ये प्रकाश पादुकोण संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या कह रहा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1967 को। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया? 8 अगस्त 1967 को स्थापित किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से पारंगत है? मोहिनी अट्टम से पारंगत है। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या कह रहा है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सी, ओडिशा के द्वारा पारित किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या कह रहा है। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की यहाँ पर शुरुआत की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? जो दोस्तों पंजाबी होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 24 का बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र है, यहाँ पर ऑप्शन 25 का सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कैट का पूर्ण रूप क्या है? कैट का पूर्ण रूप जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यहाँ पर ऑप्शन 26 का ए सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, बिल्कुल सही।
अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पर अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, ये आपका सही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन 28 का बी गलत हो जाएगा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो आपका 29 का आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा। जो काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? उत्तरी भारत के विशाल मैदान, गंगा का मैदान एवं दक्कन का पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? उत्तरी भारत के विशाल मैदान, गंगा का मैदान एवं दक्कन का पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो हाँ, आप यहाँ पर आपका 30 का जो आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है। 30 का ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थान स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ नामक टीका लिखा? महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा? तो यहाँ पर आपका 32 का जो आंसर हो जाएगा बी, एक नाथ ने लिखा। यहाँ पर 32 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा डी, फुटबॉल खेल में इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 क्या कह रहा है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दिल्ली में यहाँ पर पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? यहाँ पर 35 का जो आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर जो दिल्ली ले गया था मौर्य साम्राज्य के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर क्या कह रहा है? भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। यहाँ पर 36 का जो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन 37 की। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों, वो आपकी उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 37 का ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो वाचस्पति जो पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 38 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर मिसिंग है, यहाँ पर 43 से शुरू करते हैं। भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? तो यहाँ पर आपका जो 43 का आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम के साथ दक्षिण चीन नौसैनिक अभ्यास किया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। यहाँ पर 44 आपका क्या कह रहा है? भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण
निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा नागपुर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। 45 का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन रिपीट है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? दोस्तों यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो यहाँ पर यक्षगान जो है कर्नाटक की प्रमुख नृत्य कला है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद की रचना है? यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद की रचना है, भारत दुर्दशा या भारतेंदु द्वारा रचित रचना है। अब 48 का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, यहाँ 49 क्या कह रहा है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 49 का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, 50 यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो यहाँ पर प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक जो हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया हैं। ऑप्शन यहाँ पर 50 का ए सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 2021 के बेस के एग्जाम पेपर के पेपर पर बेस्ड एग्जाम है। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कराया जा रहा, जो यहाँ पर बुक में दिया गया पूरी वही कराया जा रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो डोंट वरी, आपसे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन सभी आ गए हैं तो बहुत अच्छा, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।